आज का दिन झारखंड के लिए बहुत खास रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बिरसा मुंडा की जयंती पर मनाए जा रहे जनजातीय गौरव दिवस पर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के जम्बूरी मैदान में विशाल जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि आज़ादी के नायक नायिकाओं की वीर गाथाओं को सामने लाना हमारा कर्तव्य है। उन्होंने बिरसा मुंडा को याद किया और साथ ही भोपाल में उन्होंने PPP मॉडल पर 100 करोड़ की लागत से विकसित कमलापति रेलवे स्टेशन का लोकार्पण भी किया। पूरे देश के लिए, पूरे जनजातीय समाज के लिए बहुत बड़ा दिन है। आज भारत अपना पहला जनजातीय गौरव दिवस मना रहा है। आजादी के बाद देश में पहली बार इतने बड़े पैमाने पर पूरे देश के जनजातीय समाज की कला, संस्कृति, स्वतंत्रता आंदोलन और राष्ट्र निर्माण में उनके योगदान को गौरव के साथ याद किया जा रहा है, उन्हें सम्मान दिया जा रहा है। जो शब्द कहे गए हैं वो जीवन का उत्तम तत्व ज्ञान जंगलों में जिंदगी गुजारने वाले मेरे आदिवासी भाई बहनों ने आत्मसात किया है। इससे बड़ी किसी देश की ताकत क्या हो सकती है? इससे बड़ी किसी देश की विरासत क्या हो सकती है? इससे बड़ी देश की पूंजी क्या हो सकती है? जनजातीय परिवारों में तेजी से मुफ्त टीकाकरण भी हो रहा है। दुनिया के पढ़े लिखे देशों में भी टीकाकरण को लेकर के सवालिया निशान लगाने की खबरें आती हैं, लेकिन मेरा आदिवासी भाई बहन टीकाकरण के महत्व को समझता भी है, स्वीकारता भी है और देश को बचाने में अपनी भूमिका अदा कर रहा है। इससे बड़ी समझदारी क्या होती है? 100 साल की सबसे बड़ी महामारी से सारी दुनिया लड़ रही है। सबसे बड़ी महामारी से निपटने के लिए जनजातीय समाज के सभी साथियों का वैक्सीनेशन के लिए आगे बढ़कर आना सचमुच में ये अपने आप में गौरवपूर्ण घटना है।